हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9 10 10 चैनल पे। एंड आज के सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई 2024-25 का जो आपका एग्जाम होगा, यानी कि जितने भी बच्चे अभी 10th ग्रेड में हैं, जो अगले साल अपना 10th ग्रेड का पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए किस तरीके का उनका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चंस कितने होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चंस कितने होंगे, 5 मार्कर क्वेश्चंस कितने होंगे, वो सारा का सारा एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके, है ना। तो यार अगर मैं बात करूं सबसे पहले पैटर्न की, तो यार जो आप लोगों का बोर्ड्स का एग्जाम होगा ना, सबसे पहले समझते हैं कि उस बोर्ड्स के एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। उस बोर्ड्स के एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट कराता है। तो जितना भी जो लेखा जोखा होता है ना आपका थ्रू आउट, लाइक 10th का 12th का जो भी बोर्ड्स का एग्जाम होगा, वो आप लोगों का सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएंगी वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे है, cbseacademic.nic.in, है ना। तो यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ सारी की सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएगी। इवन आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको वेदांतु के बारे में कुछ बता देता हूँ। सो एज यू नो कि यार वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया खुल चुके हैं। तो ये मैप है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स हैं। एंड वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स में आपको एक डेडिकेटेड अकेडमिक मेंटोर मिल रहा है और क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्मार्ट क्लिकर्स का यूज हो रहा है, ताकि हर एक बच्चे पे ध्यान रखा जाए, है ना। जैसे कि जो बच्चा लेट से पीछे भी बैठा हुआ है उस पे भी एक स्पेशल अटेंशन दी जाए और वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके अपनी क्लास में, है ना। और उसके अलावा जो सबसे बेस्ट फीचर है, दैट इज 3-वे डाउट सपोर्ट। देखो यार जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आती है उतनी इजीली, है ना। तो डाउट्स 3-वे डाउट सपोर्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले आपका जो डाउट होगा आपका टीचर क्लासरूम में सॉल्व करेगा। अगर मान लो क्लास आपकी खत्म हो गई है, तो जो आपका एकेडमिक मेंटोर है, जो कि आप लोगों का साथी है एक तरह से, आपके सुख दुख में हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आपके बड़े भैया दीदी दोस्त जो भी जिससे भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, वो एकेडमिक मेंटोर का रोल होता है ना। तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो उनसे। और अगर मान लो आप अपने घर पे हो और तब आपका डाउट आ जाता है, तो आप अपने डाउट को हमारे डाउट ऐप पे सॉल्व करवा सकते हो, विदिन 8 सेकंड में वो आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको सभी वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स पे मिलने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस लिंक को लाइक एक बारी आप नियरेस्ट लर्निंग सेंटर में जाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि तब आपको एक आइडिया मिलेगा, आप फील कर पाओगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने अपने ऑफलाइन क्लासरूम्स को बनाया है ना। तो मेक श्योर कि वो फॉर्म फिल कर देना और जो भी ये आपके नियर बाई लर्निंग सेंटर्स है वहां पे एक विजिट जरूर करना। अब बात करते हैं यार कोर्स स्ट्रक्चर की। तो आप लोगों के पास टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिनमें सबसे पहला यूनिट आप लोगों के पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स की। एलजेब्रा की जो वेटेज है नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है, एलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 है, और उसकी जो वेटेज है वो है आपके पास 20 मार्क्स की। फिर आपके पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज है आप लोगों के पास 6 मार्क्स की। फिर आप लोगों के पास आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स और सर्कल्स है, उनकी वेटेज है 15 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री की जो वेटेज है 2 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री के, उनकी वेटेज है 12 मार्क्स की। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड सम एप्लीकेशन सॉरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इनकी वेटेज है आप लोगों के पास 10 मार्क्स की। और फिर एंड में आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, वो 11 मार्क्स की है। तो टोटल आप लोगों का जो थ्योरी वाला एग्जाम होगा वो आप लोगों के पास 80 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से होगा, 1 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के पास टोटल रहेंगे 20, है ना, जिसमें आप लोगों के पास एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। इन 20 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आप लोगों के असर्शन रीजनिंग के रहेंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों के पास 2 मार्कर क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप 1 होता है, वो आप लोगों के पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, तो टोटल मार्क्स आपके पास हो जाएंगे 10। फिर 3 मार्कर क्वेश्चंस आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 6, और टोटल मार्क्स आपके पास हो जाएंगे 18।
फोर मार्कर क्वेश्चन, ये आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें बेसिकली मैथ्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और उसके कुछ तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स के अंदर एक सब पार्ट भी होता है, तो वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के पास रहेंगे तीन, तो टोटल आप लोगों के पास हो जाएंगे 12 मार्क्स। एंड में आप लोगों के पास एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी रहता है, जो कि आप लोगों के पास रहेंगे 4 क्वेश्चन, तो टोटल ये हो गए आपके पास 20। टोटल टाइम सबको पता है 3 घंटे का। अब बात करते हैं इसके डिफिकल्टी लेवल की। यार डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग लगभग आप लोगों का हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और डिफिकल्ट हार्ड क्वेश्चंस भी कुछ कुछ रहेंगे। लेकिन सीबीएसई ने पिछले कई सालों में इंट्रोड्यूस करवाया है अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके बारे में भी जान लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, जब हम लोग भी अपना एग्जाम दिया करते थे उस टाइम पे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन उनका कुछ नाम नहीं होता था। सिंपल आप लोगों के पास डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। लेकिन अभी सीबीएसई ने इनको कुछ एक अलग नाम दिया है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअल में, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या। तो वो ये सोचने लग गए कि यार ये बहुत मुश्किल सी कोई चीज है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इस चैनल पे अगर आप पिछले साल के मेरे वीडियोज देखोगे तो हमारे इस चैनल पे मैंने हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, और अगर आप बच्चों के कमेंट्स पढ़ोगे तो आप लोग देख सकते हो कि उनके एग्जाम टेस्ट में, स्कूल एग्जाम्स में, या फिर प्री बोर्ड्स में, या फिर बोर्ड्स एग्जाम में उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस उनके स्कूल एग्जाम्स में आए हैं, है ना। तो मेक श्योर कि यार जब हम अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करेंगे, है ना, बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट होने वाला है, जब हम आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ाएंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, तो आप हर एक सेशन को जरूर फॉलो करना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सारे सेशंस अगर आप लोग देख लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 100 आउट ऑफ 100, मैं 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 आने की गारंटी मेरी है, अगर आपने सही डेडिकेशन के साथ सारे के सारे वीडियोस फॉलो कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और जो जो चीजें मैं बोलूंगा बस वो चीजें करनी। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें, मैथ्स बहुत बड़ा है ना, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टीचर्स का रोल क्या होता है कि वो आपको एक सही डायरेक्शन में बताए कि यार आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज वी हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि आपका बोर्ड पहली बार है, पहली बार आप 10th का एग्जाम दोगे, लेकिन मैं 10 बार बोर्ड्स एग्जाम दे चुका हूं अपने बच्चों के साथ, और एक बार तो खैर मेरा, और मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मैं 10 से 11 बार बोर्ड्स का एग्जाम दे चुका हूं, तो आई हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं, मुझे पता है कि सीबीएसई कौन सा सवाल देगा, किस टाइप का सवाल देगा, और कौन सा सवाल अवॉइड करेगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, साल भर बस लेक्चर्स फॉलो करने, एक दिन में 1 घंटा मैथ्स पढ़ो मेरे साथ, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो देखो आप, बस उसके अलावा आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं लेके चलता हूँ, बस डेडिकेशन चाहिए मुझे इसमें आपका, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। तो इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों के पास 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है, जिसमें आप कुछ भी कर लो, ये सारे के सारे मार्क्स आप लोगों के स्कूल के हाथ में होते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे क्लास टेस्ट के मार्क्स लगेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं अगर मैं कॉपी को सजा धजा कर लेकर जाऊं अपनी मैडम के पास तो वो मुझे 20 में से 20 मार्क्स देंगे। बट यार यहाँ पे भी ना एक सच्चाई है, और सच्चाई ये है, अगर आपका रेपो आपके स्कूल टीचर्स के साथ अच्छा है तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका रेपो स्कूल टीचर्स के साथ अच्छा नहीं है तो वो आपके कुछ मार्क्स काटेंगे। बट कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि उनका कोई भी बच्चा फेल हो जाए या उनके स्कूल का रिजल्ट खराब हो, तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये जो 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल के, ये ज्यादा से ज्यादा दे सके बच्चों को। सब बच्चों को 20 में से 20 नहीं देंगे वो, लेकिन अगर आपके मार्क्स कटेंगे भी तो 2-3, या फिर कोई मतलब बहुत ही खड़ूस टीचर होगा तो वो आपके 4 से 5 मार्क्स काट सकता है इसमें, बट 15 से ऊपर मार्क्स मिलने का चांसेस है सभी बच्चों को। बट कोशिश ये करना कि आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दो, आप अपने इंटरनल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म जरूर करना, प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म जरूर करना, क्योंकि अगर मान लो प्री बोर्ड्स में आपके फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आ गए
तो यार टीचर ये सोचेगा यार इस बच्चे ने चाहे पूरे साल भर शैतानी भी करी है, लेकिन ये बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं और कहीं इंटरनल की वजह से इसके मार्क्स मिस ना हो जाए, तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो अगर आपने प्री बोर्ड्स में, अपने स्कूल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, तो टीचर्स को भी अपने दिल पे हाथ रख के, अगर आप थोड़ा बहुत शैतानी भी करते हो, तो दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देने पड़ते हैं, है ना? क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी भी बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 रुक जाए। तो कोशिश ये करना कि आप अपने इंटरनल टेस्ट में, अपने प्री बोर्ड्स एग्जाम में जितने भी टेस्ट है उनमें फोड़ो, है ना, ताकि आप लोगों के ये 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बाकी टीचर्स लोगों से ज्यादा पंगे वंगे मत लेना, ठीक है? मौज मस्ती अपनी जगह है, वो भी करो, बट ज्यादा भी मत कर देना, ठीक है? तो ये सारा का सारा था यार आज के सेशन का कहानी। मैंने लगभग समझाने की कोशिश करी है कि आप लोगों के पास किस तरीके का पेपर आने वाला है साल 2025 में, जब आप बोर्ड्स का एग्जाम लिखोगे। अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है, और लाइक एक एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करनी है, ताकि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको, ठीक है जी? बाकी यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं चैनल से रिलेटेड। कोई भी चीज अगर हमें आपको देनी होती है, इट्स इट्स लाइक अ नोटिस बोर्ड, है ना? तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलते फिर, टाटा बाय बाय।